भाई मेरी फिलॉसफी तो सिंपल है, जब कोई खाना खाना शुरू करे तो ये ना हो कि शुरू किया और बस खत्म। अरे भाई जब खाने वाला खाना खा रहा हो तो दो नवाले चखे और बोले कि भाई वाह ये खाना बनाया किसने। अब शुरू करो, प्लेट सीधी करो। कांटा लेफ्ट हैंड में। वैसे आंटी आप जानती है कि ऐसे मौके एक शेफ को बहुत कम मिलते हैं कि जब वो खुद डाइनिंग टेबल पे बैठ के आराम से खा रहा हो और कोई परोस रहा उसे। अब तुम्हारे मुकाबले का तो नहीं होगा, लेकिन जैसा तैसा बना है खा लेना। ये तो ऐसे ही बोल रही है, मम्मी भी बहुत अच्छा खाना बनाती है, देखना सारे टेबल मैनर्स भूल के उंगलियां चाट चाट के खाओगे। देख लेते। क्या है ये, एकदम बकवास खाना है, खाना बोलते इसे। सब्जी पसंद नहीं आई? रुको दाल खा के देखो। लो एकदम फीकी है, बकवास। खाने में जायका नहीं है, जायका नहीं है। अरे आंटी जायका तो दूर की बात है, ये गले से नीचे नहीं उतर रहा है। ओ हेलो, ये खाना मेरी मम्मी ने अपने हाथ से बनाया है, तो इज्जत करो उस बात की। और तुम्हें खाना पसंद नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि खाना बकवास बना है। ओ भाई साहब आप ये जो बोल वचन दे रहे हैं ना, आप बिना चखे दे रहे हैं, जरा खा के देखिए और फिर बताइए। मुझे खाने की जरूरत नहीं है ये बताने के लिए कि मेरी मम्मी के हाथ का बना खाना कैसा है, मुझे पता है कि अच्छा ही बना है। डिजास्टर वाहियात, दैट इज द वर्ड। आई एम सॉरी आंटी पर गले से नीचे उतर ही नहीं रहा, मैं तो कह रहा हूँ कि आप भी ना खाओ ना तो बेटर ही है। बेटा पुलाव खा के देखो। फीका, एकदम फीका, टेस्ट ही नहीं है। तुम्हारी माँ के हाथ का ना हर खाना बना बकवास है। बस तब से देखे जा रहा हूं तुम बकवास किए जा रहे हो, कुछ भी पक रहे हो। मेरी मम्मी का खाना वर्ल्ड का बेस्ट खाना है। ओ भाई साहब दुनिया के हर बच्चे को ना यही लगता है कि उसकी माँ बेस्ट शेफ है, और अगर हर माँ बेस्ट शेफ बन जाएगी तो हम कहाँ जाएंगे। माँ माँ होती है, शेफ शेफ होता है। शेफ हो या माँ, टेढ़ी उंगली से घी निकालती है ना, तो फर्क क्यों कर रहे हो। अरे आंटी उस घी से बनता क्या है वो तो फर्क पड़ता है कि नहीं। अरे माँ रात का बचा हुआ खाना सुबह खा लेती है उसकी मानता है, लेकिन उस रात के खाने से एक शेफ नई डिश बना ले ये उसका टैलेंट है। ये टैलेंट सिर्फ तुम में नहीं है, मैं भी कर सकता हूँ। रहने दो, आया बड़ा मिस्टर लॉकडाउन शेफ। मजाक नहीं कर रहा हूँ, चैलेंज दे सकता हूँ तुम्हें इसमें। मुझे एक फाइव स्टार होटल के हेड शेफ को तुम चैलेंज करोगे। दिया, चैलेंज दिया, मंजूर है? बेटा मंजूर है? मंजूर है। अरे अब क्या चैलेंज वैलेंज के चक्कर में पड़ गए, खाओ पियो मजे करो। अब तो चैलेंज होके ही रहेगा, देख लेते हैं। दिल्ली वर्सेस रतलाम, तो ठीक है शुरू करते हैं। ठीक है आंटी, पर अभी नहीं, शाम को, अभी काम पे जाना है। एंड मिस्टर लॉकडाउन शेफ, इरादा बदल मत देना। ओके डन। सक्सेसफुल, क्या सुना के गया वो आपको? सास खड़ी सुन रही थी और तुझे मजे आ रहे थे। तो नकली का था ना मम्मी, अगर असली का होता ना तो और भी ज्यादा मजा आता। मजाक कर रही हूँ, चिल मम्मी। चलो वैभव मान गया खाना बनाने के लिए, अब दोनों के बीच में शेफ कंपटीशन होगा, और अगर वैभव ने उससे बेहतर खाना बनाया तो उसे हिम्मत मिल जाएगी ये काम करने की। वैसे आपने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी,
बस थोड़ी सी ओवर एक्टिंग हो गई मम्मी। अरे वो ओवर एक्टिंग नहीं थी, मैंने सचमुच पुलाव बहुत अच्छा बनाया था, बाकी सारा खाना खराब बनाया था सिवाय पुलाव के। अच्छा समझ गई, तूने उससे कहा होगा टेबल पे कुछ भी आ जाए उसकी बुराई करना। नहीं मम्मी जी, मैंने तो ऐसा कुछ भी नहीं कहा। तो उसने मेरे पुलाव की बुराई कैसे की? मेरे पुलाव की बुराई की? रिलैक्स मम्मी रिलैक्स। अरे कैसे रिलैक्स, मेरे पुलाव की रेसिपी लोग मांग मांग के लेके जाते हैं, इंदौर से बेबी मौसी फोन करके रेसिपी लेती है, और ये कितना भी गुस्सा हो मेरा पुलाव खाते ही शांत हो जाते हैं। उसने मेरे पुलाव की बुराई की, मेरे पुलाव की। मम्मी शांत, लंबी सांस लो। नहीं हो रहा है, नहीं छोड़ूंगी मैं। मम्मी मुझे लगता है आपका पैतरा आप पे आजमाना पड़ेगा। चलो ये खोलो गुस्से की पोटली और अब सारा गुस्सा सारी नाराजगी डाल दो इसमें। चलो चलो डालो, लो और बांध दो गांठ। आपने क्या कहा था मुझे? क्रोध मनुष्य को भटका देता है, इसलिए खुद को नहीं क्रोध को भटकाओ। चलिए बोलिए। क्रोध मनुष्य को भटकाता है, इसलिए खुद को नहीं क्रोध को भटकाओ। वेल डन। और अब ठंडे दिमाग से ये सोचिए कि शाम को सबको घर से बाहर कैसे रखें। और सबसे जरूरी इन्हें, अगर इनके रहते इन्होंने सुनील और वैभव को खाना बनाते देखा ना, तो वैभव के साथ साथ सुनील की भी खाट खड़ी कर देंगे, जिंदगी भर के लिए कुकिंग भूल जाएगा वो। नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। हो गई तुम्हारी मीटिंग? और कितना टाइम लगेगा? हाँ ठीक है, मैं भी बाहर ही थी, वो मम्मी जी ने कुछ सामान लेने भेजा था। ओके ठीक है। भाभी लीजिए। ये क्या है? वही जो खाना आपने ऑर्डर किया था, हमेशा की तरह मेरे घर डिलीवर हो गया। अब से नहीं होगा, मैं एड्रेस चेंज कर दूंगी। क्या हुआ भाभी, आप ऐसे रूडली क्यों बात कर रहे हो? तो और क्या करूं, तुमने और तुम्हारे पापा ने जो मिलके मम्मी जी के बर्थडे पार्टी के दिन करवाया, उसके बाद तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें गले से लगाऊंगी? भाभी मैंने कुछ नहीं करवाया, जो भी करवाया मेरे पापा ने करवाया, ट्रस्ट मी मुझे तो कुछ पता भी नहीं था, इसमें मेरी क्या गलती है? पूरे रतलाम में सिर्फ आप ही थी जिसको मैंने अपना दोस्त माना था, अब आप भी मेरा साथ छोड़ देगी, वो भी उस गलती के लिए जो मैंने की ही नहीं है। प्रीति तुम प्लीज रो मत, इट्स ओके। क्यों ना रो, मेरे ना कभी स्कूल में भी दोस्त नहीं बने, ना कभी कॉलेज में बने, पर अब जाके आप जैसी एक दोस्त मिली थी, वो भी चली जाएगी। इतना दुख तो मुझे वैभव से शादी टूटने पे भी नहीं हुआ था जितना आपकी फ्रेंडशिप टूटने पे हो रहा है। प्लीज भाभी मुझसे बात करना बंद मत कीजिएगा, प्लीज प्लीज इट्स रिक्वेस्ट। अरे ठीक है तुमसे नहीं करूंगी बात बंद, तुम टेंशन मत लो, और प्लीज अब रो मत। सच्ची? सच। थैंक यू भाभी थैंक यू। जो गलती तुमने की नहीं उसकी सजा मैं तुम्हें क्यों दूंगी? अब अच्छा मुझे शॉपिंग के लिए लेट हो रहा है, ये तुम ही रख लो मेरी तरफ से, तुम भी क्या याद रखोगी, बाय। याद तो आप मुझे रखोगी माया भाभी। जा 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 जा। अरे इतना क्या पीछे पड़े हो, कल चली जाऊंगी ना। अरे कल क्यों? इस ब्यूटीफुल फेस पे ब्यूटीफुल ग्लो मैं आज देखना चाहता हूँ। कल सारे ब्यूटी पार्लर बंद हो जाएंगे। अगर दामाद जी अदिति को बाहर नहीं भेज पाए तो सारा प्लान फेल हो जाएगा। अरे नहीं नहीं, डिस्काउंट तो मैंने आज के लिए लिया है ना रूही ब्यूटी पार्लर से। अरे ओपनिंग डिस्काउंट बहुत जुगाड़ से मिलता है, जा 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 जाओ ना। हाँ वैसे भी मैंने ना उसके बारे में बहुत तारीफ सुनी है, उस पार्लर के बारे में। जाओ। ससू माँ एक कैंडिडेट तो गया, पार्लर भेज दिया अदिति को। मैंने भी माया को सामान लाने बाजार भेजा है, उसे भी आने में टाइम लगेगा,
लेकिन साले साहब, नहीं नहीं कोई टेंशन वाली बात नहीं है, मेरी बात हो गई रोहित भैया से, उनकी उनके बॉस के साथ कोई लंबी सी मीटिंग है। चलो अच्छा है। सासू माँ, पूरा गांव तो चला गया लेकिन सरपंच डैडी जी वो तो यही है। अरे हाँ, उन्हें भी तो भेजना है। वही तो। हाँ चौधरी। ए, सासू माँ, कुछ सोचिए मम्मी, यही मौका है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। दामाद जी बताइए क्या करें। कीप क्वाइट। हाँ, इनके सामने चुप रहना ही समझदारी है सासू माँ, कहीं झूठ पकड़ा गया ना वोल्केनो फट जाएगा इनका। लक्ष्मी माँ कोई रास्ता दिखा दो। ठीक है, तू एड्रेस भेज दे, मैं पहुंचता हूँ। डैडी जी, ऑल वेल डैडी जी। आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, मैं सोच रहा था बहुत दिन हो गए वॉक नहीं किए, थोड़ा वॉक करके आता हूँ। और वहाँ पार्क है ना, तो वहाँ थोड़ी एक्सरसाइज भी कर लूंगा। एक्सेलेंट, आपने तो मुश्किलें आसान कर दी। शरीर की मुश्किलें, शरीर की मुश्किलें आसान कर दी। अब आती बीमारियों का इलाज तो एक्सरसाइज से ही होता है ना, है ना जीजा जी? हाँ तो। हाँ, जाइए पापा। गुड, वेरी गुड। और सुनिए, तसल्ली से, आराम से, टाइम लगा के व्यायाम कीजिए। तुम लोग ऐसे भेज रहे हो जैसे मैं कोई परीक्षा देने जा रहा हूँ। जाऊं? एक्सरसाइज। क्या है रोहित, कहाँ रह गया? माया, बस 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 इधर ही। हाँ, मैं दूध का पाउडर पहुंचा दूंगा घर पे। हाँ, अपना पैसा एडजस्ट हो गया। कैसी? कभी तो टाइम पर आ जाया करो रोहित, कब से यही घड़ी वेट कर रही हूँ। माया, मुझे ऑफिस में थोड़ा ज्यादा टाइम लग गया और फिर ये रिक्शा भी नहीं मिल रही थी। बस यही करते रहेंगे हम जिंदगी भर, रिक्शा और टैक्सी का वेट। वैभव की शादी में सेकेंड हैंड गाड़ी तो ले ली थी तुमने, लेकिन वो भी तुम्हारी हरकतों के चक्कर में हाथ से चली गई। मैं अभी जॉब कर रहा हूँ ना, आ जाएगी गाड़ी। चलो रोहित, इतनी सी सैलरी में बस आ गई गाड़ी। देखो मैं अभी भी बोल रही हूँ, पापा कहते रहते हैं मुझसे घर में दो दो गाड़ी खड़ी है, एक उनसे ले लेते हैं। बस बस माया, मैंने पहले भी कहा कि इस टॉपिक पर चर्चा नहीं करेंगे। अगर मैं गाड़ी लाऊंगा तो अपने पैसों से लाऊंगा, तुम्हारे पापा के पैसों से मुझे गाड़ी नहीं लानी है। मैं खुददार आदमी हूँ यार। हाँ, पर उनकी बेटी को टॉर्चर जरूर करता रहूंगा पैदल घुमा घुमा कर। ना घर में तुम्हारी चलती है, ना ही तुम खुद से कुछ करते हो रोहित। रोहित, I'm really sorry. तुम्हें सुनाना नहीं चाहती हूँ, ऐसा लगता है जैसे मेरी लाइफ पे तो रिवर्स गियर लग गया है। डिस्काउंट के बिना शॉपिंग नहीं कर सकते, आधी से ज्यादा चीजें हम सेकेंड हैंड खरीदते हैं। ऊपर से हमारा घर कितना ज्यादा पुराना है। घर हमारा? माया, पुराना है तो क्या, करोड़ों का घर है वो। कीमत देखी है उस एरिया की? क्या? हाँ, करोड़ों का घर है सच में? अरे कोई छोटा मोटा घर नहीं है, अच्छा खासा बड़ा घर है हमारा। और माया, अभी तो वहां से ना मेट्रो लाइन भी पास होने वाली, फिर तुम देखना घर सिर्फ डबल नहीं ट्रिपल कीमत का हो जाएगा। तुम जस्ट सोचो इतने बड़े घर की क्या वैल्यू आएगी। अरे सोना है, मैं तो बोलता डायमंड है, डायमंड अपना घर। अभी सिर्फ वो दाऊजी के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है, थोड़े सालों में वो सॉल्व हो जाएगा, फिर सब अपना। कितनी वैल्यू है हमारे घर की? इस बात का आइडिया तो घर में सबको होगा, मतलब श्रेया को भी पता होगा। वैसे क्या कीमत है हमारे घर की? माया, घर की कीमत को छोड़ो ना, मेरी पेट की कीमत को समझो ना। बहुत भूख लगी है मुझे, दोपहर से मैंने कुछ नहीं खाया है। एक काम करते, एक अच्छे से रेस्टोरेंट में तुम्हें डिनर करवाता हूँ। चलो। क्या रोहित, कहीं भी शुरू हो जाते हो, मार्केट में हम। अरे मेरी भी यार, मैं कहीं पे भी मतलब। अरे वाह,
मम्मी हो गई तैयारी। सासू माँ सारा एकदम सेट है। आप बोलिए तो खाना भी मैं ही बना दूं? नहीं नहीं आप रहने दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। हाँ यस यस, खाना मेरा बेटा ही बनाएगा। माँ नहीं नहीं माँ क्या हुआ सविता, किस दुविधा में हो? माँ आपने सुन लिया? आप मन की बात तो सुन ही लेती है, बताने की जरूरत भी नहीं पड़ती। माँ मैं बहुत परेशान हूं, मेरा मन बहुत बेचैन है। वैभव जीत तो जाएगा ना, वो अपने हुनर को पहचान पाएगा ना? आपको तो सब चीजें पहले से ही पता होती है, बताओ ना माँ। तुम्हें पता है सविता, एक बार महर्षि भृगु ने विष्णु जी की छाती पर लात मारी थी। अच्छा, उसके पश्चात विष्णु जी ने सबसे पहले क्या किया? विष्णु जी ने स्वयं महर्षि भृगु के चरणों पर औषधि लगाई थी, क्योंकि विष्णु जी की छाती पर लात मारने से महर्षि भृगु के पैरों को चोट पहुंची थी। विष्णु जी ने अपने गुणों के अनुसार सहनशीलता दिखाई, विष्णु जी ने एक ऋषि के सम्मान का ध्यान रखा। इस प्रकार उस दिन क्रोध की हार हुई और स्नेह की जीत। महर्षि भृगु ने विष्णु जी को त्रिदेवों में सर्वश्रेष्ठ देव घोषित किया। कभी कभी छोटी हार आपके लिए बड़ी विजय की द्वार खोल देती है। कहने के लिए विष्णु जी हारे थे, किंतु वो हार कर भी जीत गए थे। ये क्या कह गई माँ, सीधा सवाल पूछा था, गोल गोल जवाब देके चली गई। अरे यार निरंजन पी ना। अरे पी, इतना क्या सोच रहा है? अरे यार मैं कोई नहीं देख रहा, मैंने कहा ना ये सब मैंने बहुत साल पहले छोड़ दिया और आजकल मेरा इलाज भी चल रहा है। हम तो काम की बात कर रहे थे ना, वैभव की नौकरी की, उसका क्या? अरे यार अब क्या हुआ? अरे यार मेरा ड्राइवर किसी काम से छुट्टी लेकर गया और मुझे गाड़ी चलानी नहीं आती, अब मैं घर कैसे जाऊं? तुझे गाड़ी चलाना नहीं आती? वो क्या है ना, जब तुमने कड़कती ठंड में मुझे सिर्फ एक निक्कर में दौड़ाया था ना, तो मैं गाड़ी में जाकर सो गया था। तो तब से पता नहीं मुझे गाड़ियों से अजीब सी नफरत हो गई, तभी मैंने सोच लिया था कि कभी गाड़ी चलाना नहीं सीखूंगा। ठीक है चाबी दे, मैं चला लेता हूँ, तुझे घर छोड़ देता हूँ और गाड़ी में वैभव की भी बात कर लेंगे। ये हुई ना असली दोस्त वाली बात, ये ले। अरे चौधरी साहब, आपसे तो अपॉइंटमेंट लेना ही मुश्किल हो गया। वो हाईवे वाले प्रोजेक्ट के बारे में कब बात कर रहे हैं हम लोग? आज कर लो, मेरे पास तो टाइम ही टाइम है। तो अभी कर ले। हाँ तो ठीक है, अभी चलो ना मेरे साथ, मैं घर ही जा रहा हूँ, रस्ते में आराम से बात कर ले। आओ। चलो ड्राइवर। मैं ड्राइवर नहीं हूँ मैं। अरे यार निरंजन क्यों बहस कर रहे हैं यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो, रस्ते में वैभव के बारे में भी तो बात करनी है। चलो चलो जल्दी चलो। फ्रिज में जो भी सब्जियां थी, जो भी सामग्री थी, आप दोनों के सामने है। आपको इससे एक चीज बनानी है और दोनों को एक घंटा मिलेगा, जो भी अच्छा बनाएगा वो होगा आज का विजेता। हम तीनों तय करेंगे कि आज का विजेता कौन होगा, तो शुरू करें। टाइम स्टार्ट्स नाउ। एक मिनट, मैं किस लिए आया हूँ? मैं बोलूंगा, योर टाइम स्टार्ट नाउ। दोनों को तैयार हैं,
हमारे घर का कुक अभी तक सोच रहे हैं कि क्या बनाए क्या बनाए। ये कांदे से शुरुआत हुई है, घर का कुक तो लगा हुआ है। फाइव स्टार का कुक गाजर निकालते हुए बहुत बढ़िया से तैयार। ओह माय गॉड, क्या स्टाइल में गाजर कटिंग हो रहा है। घर का कुक भी बहुत मेहनत से लगा हुआ है। कभी देखा है वैभव को किसी काम में इतना खो जाते हुए? खाना बनाते वक्त उसे कुछ याद नहीं रहता, माँ भी नहीं। और जैसे खाना से ध्यान हटेगा तो पहले बीवी नजर आएगी, फिर बेचारी माँ का नंबर लगेगा। अच्छा, तो मुझसे पहले नंबर लगा रही हो? नहीं नहीं मम्मी, मैं नहीं लगा रही, मैं तो सिर्फ वैभव की प्रेफरेंस बता रही हूँ। वैभव की लिस्ट में आज भी मेरा नंबर सबसे ऊपर है। अच्छा, फिर मम्मी मुझे लगता है आपने बहुत दिनों से उसकी लिस्ट पढ़ी नहीं है। कितने पागलपंती से वो इस काम में घुस जाता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि वो सिर्फ शेफ ही बने और कुछ नहीं। ये लीजिए मम्मी। तुझे भी जरूरत है, क्यों छुपा रही है?